प्यारियो, ये अहंकार बड़ी बुरी बला है। जिस समय दो दाने शरीर में होते हैं उस समय ये मनुष्य कभी कभी तो जन्म देने वालों को भी नहीं गिनता, अपने बाप को ही नहीं गिनता, अपनी माँ को नहीं गिन रहा, अपनी दादी को नहीं गिन रहा, अपने चाचा को नहीं गिन रहा। दो दाने क्या शरीर में हो गए तो किसी को नहीं गिन रहा। और वो बल विद्या विवादाय धनम मदाय। कोई कोई व्यक्ति थोड़ा सा चार किताबें क्या पढ़ जाता है, उसे अपने माँ बाप ही नालायक दिखने लगते हैं। नालायक, तू इतना लायक बन गया और अब जो तेरे माँ बाप नालायक दिखते हैं। वो कंस के ग्रुप के लोग हैं, कंस के ग्रुप के, मैं यहां तक भी कह सकता हूं वो कंस की ही औलाद है, जो अपने पूर्वज, अपने बड़े बूढ़े, अपने पूजनीय, अपने आदरणीय। तुम चार किताबें क्या पढ़ लिए अपने आप को, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम माइंडेड, आई एम ग्रेजुएट, आई एम समथिंग। अरे राम, तू तो परमात्मा हो गया रे, तूने तो परमात्मा को भी पीछे छोड़ दिया। परमात्मा भी स्वयं नहीं कहते हैं कभी आई एम। आज चार किताबें क्या पढ़ ली। विद्या वो नहीं है जो बड़ों का अपमान करना सिखाए, वो कोई विद्या है? विद्या वो नहीं है जो तुमको किसी को दुख देना सिखाए। विद्या वो नहीं है जो दूसरों की जेब काटना सिखाए। विद्या वो नहीं है जो दूसरों के पेट पर लात मारना सिखाए। विद्या वो नहीं है जो दूसरे के किसी भी तरीके से दूसरे को हड़पना सिखाए। ये कोई विद्याएं हैं? विद्या विवादाय। यदि विवाद करने के लिए तू विद्या का अध्ययन कर रहा है तो तू अपना विनाश, अपने विनाश को निमंत्रण दे रहा है। विद्या विनयम ददाती। विद्या वो है जो आदमी को तरल और सरल और विनम्र बना दे और अंदर से ऊंचा उठा दे। पता है, झुकता तो वही है कि जिसमें जान होती है। झुकता तो वही है कि जिसमें जान होती है, और ये अकड़न तो मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दा कितनी देर में अकड़ जाता है? 24 घंटे में, फिर वो मुड़ता नहीं है। तो जो कछु लोग जीते जी इतने अकड़ गए कि जिन पर झुक भी ना जा रहो, जिन्हें सांस ही चल रही है, जो जिंदा है नहीं।